नमस्कार, यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। ऋषिकेश के सुंदर से घाट के किनारे गंगा जी में डुबकी लगाकर अब हम तैयार हैं आपको बद्रीनाथ धाम ले जाने के लिए। आज आप देखेंगे कि बद्रीनाथ तक जाने वाली सड़क सेफ है या रिस्की। यहां से बद्रीनाथ की दूरी है लगभग 290 किलोमीटर और इसे तय करने में हमें लगेंगे 8 से 10 घंटे। तो फाइनली हमने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया है और थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचते ही यहां से गंगा नदी और ऋषिकेश का जो दृश्य दिखता है वो हमेशा याद रहता है। ऋषिकेश बद्रीनाथ रूट पर शुरुआती 25 से 30 किलोमीटर तक बहुत से होटल और रिजॉर्ट्स हैं। रास्ता भी थोड़ा तंग है, इसलिए ये इलाका जितनी सुबह पार हो जाए अच्छा है। शिवपुरी के बाद आपको बहुत अच्छी सड़क मिलेगी और भारतीय इंजीनियरिंग के कुछ बेहतरीन नमूने भी। कौड़ियाला तक के सुंदर सफर के बाद एक तीखी चढ़ाई चढ़नी होती है। सड़क चौड़ी है इसलिए शुरू में ग्रेडियंट का अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन जब गाड़ी एक गियर नीचे आ जाती है तब समझ में आता है। यहां पर लोडेड गाड़ियों को पिकअप लेने में दिक्कत होती है। एक समय ऐसा भी था जब ये सड़क बहुत पतली हुआ करती थी और यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती थी। सबसे पहले मोटर रोड यहां बनवाई थी टिहरी रियासत के राजा ने, और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका ठेका लिया उनका नाम था तोता सिंह रांगड़। चूंकि ये पूरा इलाका चट्टानी है और इनमें डोलोमाइट भी है, इसलिए उन्हें ये सड़क बनाने में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा तोता घाटी। तोता घाटी से लगभग 30 किलोमीटर आगे आपको अपने दाईं ओर पंचप्रयाग का पहला संगम यानी देवप्रयाग दिखाई देगा। यहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इनसे बनती है गंगा नदी। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग और अंत में विष्णुप्रयाग। कर्णप्रयाग आते आते मौसम खराब हो गया है, लेकिन सड़क हमें लगातार अच्छी मिली है। सामने ये नीली नदी अलकनंदा है और दाईं ओर है पिंडारी ग्लेशियर से निकली नदी पिंडर। कर्णप्रयाग के बाद घाटी बहुत चौड़ी हो जाती है और ऊंचाई से डरने वाले लोग यहां राहत की सांस लेते हैं। अलकनंदा नदी के उस पार सिवाय गांव है जहां कर्णप्रयाग का रेलवे स्टेशन बन रहा है। आने वाले कुछ सालों में आप यहां तक ट्रेन से आ जा सकेंगे। इस रूट पर सिवाय गांव की सीध में ये पहाड़ देखिए और देखिए मशीनें कहां तक चढ़ी हैं। दरअसल यहां बार बार लैंडस्लाइड होता रहता था, इसलिए इसका एक हिस्सा पूरी तरह काटा जा रहा है। लेकिन ये कोई बड़ी हर्डल नहीं है। इस बार सबकी चिंता है जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ के हालात आपको समझाने के लिए पहले हमें इसे समझना पड़ेगा, इसलिए सोचा है कि आज औली में ही रुक जाते हैं। सुबह होते ही जोशीमठ पहुंच जाएंगे। जोशीमठ शहर जहां से शुरू होता है वहीं से एक सड़क ऊपर पहाड़ की ओर चली जाती है। इस पॉइंट से औली 11 किलोमीटर दूर है और इसके लिए हमें बद्रीनाथ रूट छोड़ना पड़ता है। आप जानते ही होंगे कि औली अपने बुग्याल और स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है। यहां से जो पीक्स दिखाई देती हैं उनमें से खास हैं ब्रह्मकमल, हाथी पर्वत और नंदा देवी। गढ़वाल मंडल विकास निगम की यहां पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आज रात हम इसी में रुकने वाले हैं और कल सुबह होते ही वापस बद्रीनाथ रूट पर पहुंच जाएंगे। नमस्कार। तो हम सुबह सुबह औली से उतरकर जोशीमठ पहुंच गए हैं और अब तक हमें बद्रीनाथ रूट पर कोई दरार नजर नहीं आई है। खबर में था कि एक आध जगह बद्रीनाथ मार्ग भी धंसा है, लेकिन मरम्मत के बाद ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ इमारतें जो टेढ़ी हो गई थी उन्हें जरूर हटाया गया है, लेकिन यहां आकर ऐसा कतई नहीं लगता है कि अचानक यहां कोई हादसा हो जाएगा। बेशक यहां के लोगों के लिए भूधसाव किसी ट्रॉमा से कम नहीं है और उन्हें रिहैबिलिटेट करना भी एक बड़ा चैलेंज है। हम भी यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ यात्रा की नजर से देखा जाए तो कोई आसन्न संकट जिसे कहते हैं वो नहीं दिखता। जोशीमठ के बाद आता है विष्णुप्रयाग और यहां से जो टेरेन है वो बहुत ही रगड दिखने लगता है। ऊंचे ऊंचे काले पहाड़ और संकरी सी घाटी में शोर करती अलकनंदा। अधिकतर रास्ता चट्टानों को काटकर बनाया गया है और पत्थरों के गिरने का डर हमेशा बना रहता है।
पांडुकेश्वर में ये संकरी घाटी थोड़ा खुलती है, लेकिन लामबगड़ से दोबारा संकरी हो जाती है। लामबगड़ के बाद दुकानें सीधे बद्रीनाथ में ही मिलती हैं, इसलिए हम कुछ देर यहां रुक गए हैं। लामबगड़ के बाद घाटी जैसे ही खुलती है तो बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर नजर आने लगते हैं। यहां अलकनंदा के पानी को रोककर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं जिनसे बिजली बनती है। अब हम बद्रीनाथ धाम के बहुत नजदीक हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए अभी भी हमें एक पहाड़ पर बने 8 हेयर पिन बैंड चढ़ने होंगे। मौसम की मार के कारण इस सर्पीले रास्ते की रिटेनिंग वॉल टूटती रहती है, लेकिन बीआरओ इसे बनाता रहता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। लंबे इंतजार के बाद जब हमें अपनी मंजिल नजर आने लगती है तो अक्सर हमारी आंखें भर आती हैं। यदि बद्री विशाल पहुंचकर आपको भी ऐसा कुछ लगे तो अपने आंसुओं को बहने दीजिए, आपका शरीर और मन बहुत हल्का हो जाएगा। इसके बाद आप शांत चित्त से ईश्वर का ध्यान कर सकेंगे। बद्री विशाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। Thank you.